हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्या आपको पता है वाल्मीकि रामायण के अनुसार किस राक्षसी ने भगवान राम द्वारा रावण को पराजित करने का स्वप्न देखा था? इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सके। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। तिहाड़ से बाहर आते ही एक्शन में मनीष सिसोदिया, दिल्ली विधानसभा चुनाव की संभाली कमान, ताबड़तोड़ बैठकों का प्लान। दिल्ली शराब घोटाला केस में पिछले करीब 1.5 साल से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आते ही पूरे एक्शन में आ गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव की कमान संभाली है और मनीष सिसोदिया पार्टी की बैठक कर रहे हैं जिसमें पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हैं। बता दें कि यह बैठक मनीष सिसोदिया के आवास पर किया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मनीष सिसोदिया क्या फिर से मंत्रिमंडल में किसी विभाग का कामकाज संभालेंगे या केवल आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति का ही कामकाज देखेंगे। फिलहाल पार्टी की बैठक से शुरुआत करके मनीष सिसोदिया ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हरित श्वेत के बाद देश में पोषण क्रांति, पीएम मोदी ने 109 उन्नत किस्म की बीजे की लॉन्च, किसान भी होंगे मालामाल। देश में हरित और श्वेत क्रांति के बाद अब पोषण क्रांति की तैयारी हो गई है। इसी क्रम में कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के हिसाब से 109 किस्म की उन्नत बीजों का विकास किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन उन्नत बीजों को जारी किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से भी बात की। खास बात यह है कि ये सभी 109 बीजें उच्च उपज देने वाली हैं, जलवायु के अनुकूल और भरपूर पोषण युक्त हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में इन नई फसल किस्मों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों के महत्व पर जोर दिया और कृषि में मूल्य वर्धन की आवश्यकता की बात की। उन्होंने कहा कि इन फसल किस्मों से किसानों को काफी लाभ होगा क्योंकि ये उनकी खर्चों को कम करेगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। प्राइवेट स्कूलों को देना ही होगा गरीब बच्चों को दाखिला, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को EWS कैटेगरी के छात्रों को दाखिला देने से छूट देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार के नोटिफिकेशन पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक कुछ प्राइवेट स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को एडमिशन देने से छूट देना था। 9 फरवरी को जारी की गई नोटिफिकेशन में सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तमाम प्राइवेट स्कूलों को EWS छात्रों के लिए 25% सीटें आरक्षित करने की आवश्यकता से छूट देने की मांग की गई थी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने जस्टिस JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने EWS छात्रों को अच्छे शैक्षणिक संस्थानों में शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। पीठ के मुताबिक EWS कैटेगरी के बच्चों को अच्छे स्कूलों में जाना चाहिए, जबकि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे EWS छात्रों के साथ बातचीत करेंगे तभी वे समझेंगे कि देश वास्तव में क्या है, अन्यथा वे केवल फैंसी गैजेट्स और कारों के कोकून में रहेंगे। बाइक और स्कूटर चलाने वालों के लिए चेतावनी, 1 सितंबर से लागू हो रहा है ये ट्रैफिक नियम। अगर आपके पास दोपहिया वाहन है और रोजाना उस पर सवार होकर आप घर से ऑफिस और ऑफिस से घर पहुंचते हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के बड़े शहर विशाखापट्टनम में एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अब स्कूटर बाइक चलाते वक्त हर हाल में पीछे बैठने वाले शख्स को हेलमेट पहनना होगा। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पीछे बैठकर स्कूटर पर यात्रा करते वक्त हेलमेट लगाना अनिवार्य है, लेकिन देश के अधिकांश हिस्सों में इसका पालन नहीं होता है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब विशाखापट्टनम में 1 सितंबर से स्कूटर पर पीछे बैठकर सवारी करने वालों को हेलमेट लगाना होगा। शहर में बढ़ते हुए सड़क हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। विशाखापट्टनम के जिला कलेक्टर, जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हरेंद्रा प्रसाद और शहर के पुलिस आयुक्त शंखव्रत बागची ने हाल ही में एक बैठक की। उन्होंने कहा कि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विशाखापट्टनम पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का 1,035 रुपए का चालान काटा जाएगा। नियम तोड़ने वालों का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। हेलमेट की क्वालिटी को लेकर भी हिदायत दी गई है। बताया गया है कि केवल ISI मार्क वाले हेलमेट ही पहनने होंगे, नहीं तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में स्कूटर बाइक पर पीछे बैठने वाले लोगों के हेलमेट पहनने के नियम को कड़ाई से लागू किया जाता है। बहुत से शहरों में केवल दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के हेलमेट नहीं पहनने का ही चालान काटा जाता है।
फिर खुला हिंडनबर्ग का जिन अडानी कनेक्शन, सैलरी से 4 गुना कमाई। हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवी बूच पर लगाए हैं कई आरोप। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक और सनसनीखेज रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सेबी चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है कि सेबी चीफ बूच और उनके पति के पास कथित अडानी स्कैम में इस्तेमाल किए गए ऑफशोर फंड में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग की इस ताजा रिपोर्ट में सेबी चीफ और उनके पति पर 4 गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने बरमुडा और मॉरिशस के फंड में स्टेक लिया। ये दोनों टैक्स हेवन देश हैं। दिलचस्प है कि इन्हीं दोनों फंड का इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक सेबी के होल टाइम मेंबर रहते हुए बूच ने अपने प्राइवेट अकाउंट से यूनिट रिडीम करने यानी यूनिट बेचने के लिए मेल लिखा था। रिपोर्ट के मुताबिक हमें संदेह है कि सेबी ने अडानी ग्रुप से जुड़े हुए ऑफशोर शेयर होल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें मिलीभगत हो सकती है। अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के बीच सेबी चेयरपर्सन रहते हुए माधवी बूच सिंगापुर की ऑफशोर कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर की 100% मालकिन थी, लेकिन नियुक्ति के तुरंत बाद उन्होंने इस फर्म का मालिकाना हक पति को सौंप दिया। इस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने से पूरी छूट थी, इसलिए इस बात का पता नहीं चल पाया है कि इस कंपनी में उनकी क्या कमाई होती थी। बिहार में स्कूलों का कायाकल्प, एक कमरे में एक कक्षा, मिलेगी रंग से नई पहचान और बेहतर सुविधा। बता दें कि बिहार सरकार ने स्कूलों में एक कमरे में कई कक्षा के छात्रों के पढ़ाई पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। अब प्रत्येक कमरे में केवल एक ही कक्षा के छात्र पढ़ाई करेंगे। इसके लिए आवश्यकता के मुताबिक प्रत्येक स्कूल में कमरा बनाया जाएगा। के पाठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभालने वाले डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बिहार के सभी जिलों के डीईओ को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश दिए हैं। बिहार में एक घंटे में खत्म कर दूंगा शराबबंदी, प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बोले सिर्फ दुकानें बंद हुई हैं, होम डिलीवरी चालू है। बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर समय समय पर नेताओं के तरह तरह के बयान सामने आते रहे हैं। इसी बीच चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बड़ा दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो एक घंटे में बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। प्रशांत किशोर के इस दावे ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। दरअसल विपक्ष का खेमा अक्सर ये कहता रहता है कि बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। कुछ राजनीतिक पार्टियों ने तो शराबबंदी खत्म करने की मांग तक कर रख दी है। यहाँ तक कि जीतनराम मांझी ने भी शराबबंदी को लेकर बड़े सवाल किए थे, लेकिन नीतीश कुमार पूरी मजबूती के साथ शराबबंदी के पक्ष में खड़े नजर आते हैं। और वहीं इन सब के बीच बिहार में एक नेता के रूप में उभर रहे प्रशांत किशोर के शराबबंदी खत्म करने के दावे ने हलचल तेज कर दी है। दरअसल प्रशांत किशोर बिहार में शराबबंदी खत्म करने के पीछे भी कई तर्क देते हुए कहते हैं कि शराबबंदी से क्या किसी समाज, किसी राज्य, किसी देश या कभी ऐसा उदाहरण मिला है कि मानव सभ्यता के इतिहास में किसी ने विकास किया हो? मुझे तो ऐसा कोई उदाहरण संसार में नहीं दिखा है, जबकि अलग अलग समय में लोगों ने या सरकारों ने प्रयास जरूर किए हैं। हिंडनबर्ग का आरोप दुर्भावनापूर्ण, अडानी समूह ने कहा सेबी चेयरपर्सन से कोई कमर्शियल संबंध नहीं। अडानी समूह ने अमेरिकी शोध व निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के हालिया आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं से छेड़छाड़ करने वाला बताते हुए कहा कि उसका बाजार नियामक सेबी की चेयरपर्सन या उनके पति के साथ कोई वाणिज्यिक संबंध नहीं है। अडानी समूह ने शेयर बाजार को दी एक सूचना में कहा है कि हिंडनबर्ग के नए आरोप सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचनाओं का दुर्भावनापूर्ण, शरारती और छेड़छाड़ करने वालों का चयन है। ऐसा तथ्यों और कानून की अवहेलना करते हुए निजी मुनाफाखोरी के लिए पूर्व निर्धारित निष्कर्षों पर पहुंचने की इरादे से किया गया है। समूह ने कहा है कि हम अडानी समूह के खिलाफ इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये उन अस्वीकार किए जा चुके दावों का दोहराव है जिनकी गहन जांच की गई है, जो निराधार साबित हुई है और जनवरी 2024 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिए गए हैं। सेबी चेयरपर्सन ने हिंडनबर्ग के आरोपों को बताया बेबुनियाद, कहा चरित्र हनन का हो रहा है प्रयास। भारतीय पूंजी बाजार नियामक स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के चेयरपर्सन और उनके पति पर रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद उनका बयान आया है। पीटीआई को दिए गए बयान में सेबी चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने उन पर लगे हुए आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इनमें कोई सच्चाई नहीं है और उनका जीवन और वित्तीय स्थिति एक खुली किताब की तरह।
तरह है। आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने बाजार नियामक सेबी प्रमुख के खिलाफ एक नया हमला बोला और आरोप लगाया कि अडानी मनी साइफन घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में उनकी और उनके पति की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग का दावा, कहा सेबी चीफ का अडानी स्कैंडल से है कनेक्शन। पिछली बार अडानी ग्रुप पर हमला करने वाले अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस बार भारत के मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी पर निशाना साधा। दरअसल अमेरिकी शॉर्ट सेलर ने सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच को लेकर बड़ा दावा किया। हिंडनबर्ग ने कहा कि व्हिसल ब्लोअर दस्तावेजों से पता चला है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति के पास अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में इस्तेमाल की गई ऑब्स्क्यूर ऑफशोर एंटिटी में हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हमने पहले ही देखा था कि अडानी को गंभीर रेगुलेटरी हस्तक्षेप के रिस्क के बिना काम जारी रखने का पूरा भरोसा है। इसका कारण सेबी चीफ माधवी पुरी बूच के साथ अडानी का रिश्ता हो सकता है। हमें यह नहीं पता था कि सेबी की वर्तमान चीफ और उनके पति धवल बूच के पास ठीक उसी ऑब्स्क्यूर ऑफशोर बरमुडा और मॉरिशस फंड में हिडन स्टेक थी जो विनोद अडानी द्वारा इस्तेमाल की गई कॉम्प्लेक्स नेक्स्टेड स्ट्रक्चर में पाए गए थे। दिल्ली NCR में बादलों का डेरा, रिमझिम फुहारों से मौसम हुआ सुहाना। उत्तराखंड समेत 23 राज्यों में भारी बारिश की उम्मीद। पूरे उत्तर भारत में इस समय मानसून की बारिश जोरों पर है। दिल्ली NCR समेत हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ ही कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने देश के 23 राज्यों में बारिश होने की उम्मीद जाहिर की है। उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान, बिहार, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कल में अलग अलग जगहों पर IMD ने भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद जताई है। वहीं इन राज्यों में करीब 12 सेंटीमीटर बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में भी अलग अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। इन राज्यों में करीब 7 सेंटीमीटर बारिश होने की उम्मीद है। जबकि इसके साथ ही राजस्थान में अलग अलग जगहों पर बिजली गिरने के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। दरिंदे का काल बना हेडफोन, पुलिस को CCTV में दिखा ऐसा नजारा। लेडी डॉक्टर के मुलजिम को तुरंत कर लिया गया गिरफ्तार। कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या को लेकर लोगों में खूब गुस्सा दिख रहा है। राज्य के कई अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया और जुलूस निकाला। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने 48 घंटे के अंदर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की थी। इन दबावों का ही नतीजा रहा कि पुलिस भी तुरंत एक्शन में दिखी और मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक संजय को पकड़ने में एक अहम सुराग काम आया और वो था उसका ब्लूटूथ हेडफोन जो उसने मौकाए वारदात पर ही छोड़ दिया था। बता दें कि कोलकाता के सरकारी RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में शुक्रवार की सुबह को महिला PGT डॉक्टर का अनग्न शव मिला था। छाती रोग विभाग की दूसरी वर्ष की छात्रा ड्यूटी पर थी, तभी अस्पताल के अंदर ही उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या की गई। खून से सने हुए गद्दे पर उसकी लाश पड़ी मिली। उसकी दोनों आंखें और मुंह से खून निकल रहा था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि महिला डॉक्टर का यौन शोषण किया गया था। समंदर की नई रक्षक, पलक झपकते ही मचा देगी तबाही। हर परमाणु हथियार से है लैस भारत की ये नई पनडुब्बी INS अरिघात। बता दें कि हिंद महासागर में चीन की लगातार बढ़ती हुई घुसपैठ से निपटने के लिए भारत ने अब पूरी तरह से कमर कस ली है और इसके लिए अपनी पनडुब्बी के बेड़े को भारत पूरी तरह चाक चौबंद करने में जुटा हुआ है। भारत में परमाणु ईंधन से चलने वाली और परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बियों को बनाने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाई है। इन कोशिशों के सफल होने के बाद भारत अपनी दूसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को चालू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये पनडुब्बी किसी भी तरह की जंग के लिए परमाणु मिसाइलों से लैस है और इसके साथ ही पारंपरिक हथियारों से लैस दो परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियों को बनाने की परियोजना भी अंतिम मंजूरी के लिए तैयार है। MBBS की पढ़ाई हुई अब और भी महंगी, बढ़ाई गई फीस, अब देने होंगे इतने रुपए। पंजाब में मेडिकल की पढ़ाई और भी महंगी हो गई है। सरकार ने सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस में 5% की बढ़ोतरी की है। इसके लिए मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट पंजाब ने राज्य के सभी सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की फीस में 5% की बढ़ोतरी करते हुए MBBS दाखिले को रेगुलेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज
1550 सीटों के लिए दाखिला करेगा और इन सीटों में 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 750 सीटें और राज्य के 4 प्राइवेट और 2 अल्पसंख्यक दर्जे के मेडिकल संस्थानों की कुल 800 सीटें हैं। बता दें कि मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट पंजाब के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अमृतसर, पटियाला, फरीदकोट और मोहाली के 4 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS कोर्स की पूरी फीस 9,05,000 रुपए से बढ़ाकर 9,50,000 रुपए कर दी गई है। सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे की सीटों के लिए MBBS की पूरी कोर्स की फीस 55,25,000 रुपए से बढ़कर अब 58,02,000 रुपए कर दी गई है। प्राइवेट कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीट के लिए फीस 21.48 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 22,54,000 रुपए कर दी गई है। शेख हसीना को हटाने के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी पावर, 3 महीने पहले ही रची गई साजिश, एक द्वीप के कारण बना दुश्मन। बांग्लादेश की सत्ता से बेदखल की गई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने देश में जारी हिंसक उपद्रवों के पीछे दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका की भूमिका होने का शक जाहिर किया है। उन्होंने करीबी लोगों को भेजे गए एक संदेश में शेख हसीना ने अपने सत्ता से बेदखल होने में अमेरिका की भूमिका की ओर इशारा किया। इस बयान में कहा गया है कि इस पूरी साजिश में एक वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक की भूमिका सबसे ज्यादा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस समय भारत में मौजूद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका पर सेंट मार्टिन द्वीप न सौंपने के कारण उन्हें सत्ता से बेदखल करने के आरोप लगाए हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में बरती जाएगी सख्ती, जारी हुए हैं नए निर्देश। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल के 60,244 रिक्त पदों पर सरकारी भर्ती की घोषणा हुई है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा 68 जिलों के 1,174 केंद्रों पर होगी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। प्रदेश सरकार इस बार सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने सोशल मीडिया के जरिए कुछ नए नियमों की जानकारी दी है। सभी अभ्यर्थियों को इससे अपडेट रहना चाहिए। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2024 पहली बार सिर्फ सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में आयोजित की जाएगी। इस बार यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर की छपाई से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक की सख्त निगरानी रखी जाएगी। पुलिस एसटीएफ और यूपी पीआरपीबी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर लीक को रोकने के लिए काफी तैयार है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आगामी यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती 2023 की में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों की सुविधा व बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए सभी परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों में दीवार घड़ी यानी वॉल क्लॉक लगाने का निर्णय किया है। संबंधित एजेंसी को इसके लिए उचित निर्देश दिए गए हैं। नीट पीजी उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर, ऐसे तैयार होगा रिजल्ट। अगर आप नीट पीजी की परीक्षा में शामिल हुए हैं तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2024 की परीक्षा का आयोजन किया था और बोर्ड ने नीट पीजी रिजल्ट तैयार करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बताते हुए एक नोटिस जारी किया है। इस साल पहली बार नीट पीजी की परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की गई और इससे पहले ये परीक्षा 1 शिफ्ट में होती थी। परीक्षा 11 अगस्त को 2 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है और पहली सुबह 9 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी दोपहर 3:30 बजे से शाम के 7 बजे तक होगी। बता दें आपको कि पहली शिफ्ट की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा आयोजित की गई। वहीं नई व्यवस्था लागू होने के बाद बोर्ड को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनानी पड़ी, जिसके बारे में एक नोटिस जारी किया गया। NBEMS के आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि NBEMS ने नीट पीजी 2024 के रिजल्ट की तैयारी के लिए उस प्रक्रिया को अपनाया है जिसका इस्तेमाल वर्तमान में एम्स नई दिल्ली द्वारा 1 से अधिक शिफ्ट में आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए किया जा रहा है। इसमें INICET भी शामिल है, लेकिन यह केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है। हर शिफ्ट के लिए परीक्षा रिजल्ट रॉ स्कोर और प्रतिशत के रूप में तैयार किए जाएंगे। जयपुर में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर बह रहा पानी का सैलाब, जाम हुआ शहर, खौफ में आई पब्लिक। राजधानी जयपुर में सुबह से हो रही बारिश के बाद दोपहर में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। सुबह से जयपुर में रुक रुक कर बारिश हो रही थी, वहीं बारिश का दौर दोपहर के पूरे पीक पर आ गया और इससे पूरे शहर में पानी का सैलाब आ गया। सड़कें दरिया बन गई। शहर के मुख्य सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर जाने के कारण पूरी गुलाबी नगरी में जाम सड़कें हो गई। बता दें यहाँ जगह जगह पर भारी जमाव के हालात बने हुए हैं। यहाँ बारिश में दुपहिया और चार पहिया वाहनों के फंस जाने के कारण हजारों लोग बेबस हो गए।
अब वो करेगी बसपा जो कभी नहीं किया। मायावती के फैसले से हिल गई पार्टियां, बोली अब प्रतिष्ठा पर बात आ गई है। बहुजन समाज पार्टी बसपा अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। पार्टी ने अब तक जो कभी नहीं किया वो अब करने वाली है। बसपा चीफ मायावती ने ऐलान किया है कि वह यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। बता दें कि बसपा हमेशा उपचुनाव से दूर रही है, लेकिन इस बार बसपा नेता मायावती ने कहा कि प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। उन्होंने ऐलान किया कि निकट भविष्य में राज्य की 10 रिक्त विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी और पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी। मायावती ने उत्तर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय में पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों की एक समीक्षा बैठक में उपचुनाव लड़ने की घोषणा की। अमूमन उपचुनाव से दूर रहने वाली बसपा ने इस उपचुनाव को पूरे दमखम से लड़ने का फैसला किया है। बसपा मुख्यालय से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में रिक्त हुई 10 विधानसभा की सीटों पर प्रस्तावित उपचुनाव के लिए अभी चुनाव की तारीख आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसे लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। आज का सुविचार, जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, लेकिन जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे तो केवल वक्त ही समझा सकता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।